मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को नमन करते हुए भरोसे के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भरोसे के सम्मेलन आयोजन सबसे पहले मुंगेली जिले के सरगांव में 25 मार्च को हुआ था, जहां सभी लोग थे। लाखों की तादाद में किसान, मजदूर, नौजवान वहां पहुंचे थे। आज भी सभी आए हैं, आप सभी का स्वागत। स्वर्गीय राजीव गांधी सबसे नौजवान प्रधानमंत्री रहे, देश की सेवा में पूरा जीवन और अखंडता के लिए अपनी जान गंवा दी, उन्हें शत शत नमन करता हूं। राजीव जी का कहना था कि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। हमने इस विचार को साकार करने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध हो रहे हैं, हर वर्ग के हित में काम हो रहा है। अभी महंत जी बात कर रहे थे लोगों के चेहरों की, और मैं यही देख रही हूं, जब से छत्तीसगढ़ में आई हूं, आम लोगों के बीच में घूमते हैं, उठते बैठते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, हर जगह मुझे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती है। एक अंदर की खुशी अलग खुशी होती है। अभी हमने इतनी शानदार नुमाइश यहां पर देखी, महिलाओं के न केवल मुस्कुराहट, लेकिन जिस प्यार से, जिस उत्साह से हमारी बहनें आगे बढ़ बढ़कर अपना कार्य दिखा रही थी, बच्चियां बच्चे बता रहे थे, और मैंने देखा अमूमन मुख्यमंत्री जी, हमारे साथीगण, मंत्रीगण, अमूमन मैंने देखा है कि हम लोग तो खुश होते हैं, लेकिन जो मुलाजिम होते हैं उनको मैं बहुत कम खुश देखती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे छोटे से छोटे मुलाजिम भी खुश नजर आ रहे थे। तो हमें लगता है कि जो राजीव जी का सपना था, आज हम राजीव जी की शहादत के दिन यहां इकट्ठा हुए हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका सपना साकार होता मैं यहां पर देख रही हूं। भरोसा के सम्मेलन में सबसे पहली मुंगेली जिला के सरगांव में 25 मार्च के आयोजन हो रही से उन्हें डॉक्टर चरणदास महंत जी, रविन्द्र चौबे जी, तमाम हमर मंत्री और विधायक मन वहां उपस्थित रही से। दूसरा सभा हुई बस्तर में, भाई मोहन मरकाम सहित तमाम सब साथी मन उपस्थित रहे, और वहां मुख्य आकर्षण प्रियंका गांधी जी री से, शैलजा जी री ने, लाखों के तादाद में बस्तरिया साथी मन खूब स्वागत करी प्रियंका जी के। दूसरा भरोसक सम्मेलन संपन्न हुई। तीसरा भरोसक सम्मेलन हमारे दुर्ग संभाग में, दुर्ग संभाग के सबो जिला के सबो विधानसभा से लाखों के तादाद में आए हमर किसान, मजदूर, हमर नौजवान, हमर मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, नगर सैनिक, तमाम सब आए, सब जनला पाटन क्षेत्र के ओर से आप सबके हाथ जोड़ के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं।